Welcome to my channel Learn with Ima. Hello guys, today we will learn about the basic vocabularies which we use at our home. So let's start. So first is सिलाई मशीन. आप सिलाई मशीन जिसे बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सीविंग मशीन. सेकेंड है पर्दा, जो आप पर्दा लटकाते हैं दरवाजों पर खिड़कियों पर तो उसे हम कर्टेन बोलते हैं. थर्ड इज आप अपने घर में सजावट के लिए उसमें कुछ डिजाइन वगैरह बना के जो लटकाते हैं उसे हम फ्रेम बोलते हैं. फोर्थ आईना, आईना जो होता है उसे हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं. और जो लड़कियां पहनती हैं हम जानते हैं घर में उसे हम हाथों में ब्रेसलेट कहते हैं. उसके बाद जो झाड़ू लगाते हैं हम घर में झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं. उसके बाद इंग्लिश में जो कांटेदार चम्मच होता है उसे हम फॉक कहते हैं और जो चम्मच जिससे हम खाते हैं उसे हम स्पून कहते हैं और जो चाकू होती है उसे हम इंग्लिश में नाइफ कहते हैं. उसके बाद जो तकिया है, तकिया हम यूज़ करते हैं इसे हम इंग्लिश में पिलो कहते हैं. उसके बाद जिससे हम कपड़ा धोते हैं घर में उन्हें हम वॉशिंग मशीन कहते हैं. उसके बाद जो अलमारी होती है हमारे घर में, कबाट जिसे आप बोलते हैं अलमारी, इसे हम इंग्लिश में क्लोजेट कहते हैं. उसके बाद जो ताला होता है ताले को हम लॉक कहते हैं. और जो लॉक जैसे डोर होता है ऐसे लॉक हम खोलते हैं, जो पहले से लॉक होता है जिसमें ताली चाबी की ज़रूरत नहीं होती तो उसे हम डोर नॉक कहते हैं. उसके बाद जो धागा होता है उसे हम इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं. उसके बाद जो मशीन होती है जिसे हम ब्रेड को टोस्ट करके निकालते हैं उसे हम टोस्टर कहते हैं. तो दोस्तों यहीं तक था. आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. गुड बाय.